एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणधीन टनल धस गई। पिछले 55 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मा खाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डनल गांव के बीच बनाई जा रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे में 55 घंटे से 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। बमुश्किल रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू के दौरान भी टनल धस रही है। रेस्क्यू टीम अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकालने के काम को अंजाम दे रही है। उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धस गया और इसमें 40 मजदूर फंस गए। टनल का शुरुआती हिस्सा अभी ठीक है, लेकिन यहां से 200 मीटर अंदर टनल का 50 मीटर का हिस्सा धस गया है। NHAI, DCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग यहां 24 घंटे काम कर रहे हैं। टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धस रही है, इससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से 35 इंच का स्टील पाइप टनल में डाला जा रहा है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। NHAI DCL के डायरेक्टर टेक्निकल अतुल कुमार ने बताया कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धस रही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा ने बताया कि संभवतः मंगलवार शाम या बुधवार सुबह तक मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन और छोटे पैकेट्स में खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तराखंड सरकार ने घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। बताते हैं 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी टनल के स्टार्टिंग पॉइंट से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया था। उससे आगे कोई भी प्लास्टर नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये टनल चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।